Serapio é que isso duas cachimbras machiam. Power and yoke. Power and yoke. Bah, हां गया दर्शन पूरा सुनो को एंजॉय करने के तब से मुझे तो जी बाकी आप बच्चे चेक कर सकते हो भाई क्या-क्या करना पड़ता है वीडियो अपलोड करने की। तो जी गाइज मैं यहाँ से चल रहा था, मैं अपना व्लॉग शूट कर रहा था लेकिन अचानक मैंने एक अजीब सी हरकत देखी है। ठीक है, तो हरकत ये है कि देखो ये घोड़े जो हैं ये बेजुबान हैं बट इनके अंदर भी जान है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इनके समर में काम अच्छे ठीक ठाक से लेते हैं लेकिन जब विंटर आता है हम उनको ऐसे छोड़ते हैं। लेकिन ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है, वीडियो में जो कुत्ते हैं ना देखो इन पर अटैक करते हैं, इसके साथ एक छोटा सा बच्चा है तो ये इसी पर अटैक करते हैं। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिसके भी हैं ये या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए एज ए ह्यूमन, ऐसा मत कीजिए। बाकी बेजुबान तो है ये लेकिन इनके अंदर भी जान है तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखिए। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक करता हूँ कि आप एकदम से बढ़िया होंगे। तो करते हैं जी आज का एक प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट। तो प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है प्यारे सी लोकेशन से, ये आप चेकआउट कर सकते हो हमारा जो कश्मीर है ना, ये बर्फ़ में कितना खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, तो मुझे मार्केट जाना है, मार्केट से मुझे कुछ चीज़ परचेज़ करनी है। ठीक है, तो देखते हैं और भी क्या होगा, तो तब तक आप वीडियो में बने रहे, तो चलो चलते हैं। तो बाकी जी मैं तरह का मार्केट में पहुंच चुका हूं। ठीक है, अगर हम इस मार्केट की बात करेंगे यहां पर हर एक चीज़ मिलता है। ठीक है, तो बाकी इस मार्केट में हमेशा चहल पहल रह जाती है। ठीक है, और चलो अपना काम करते हैं तो फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ इस तरह की लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत क्यों है वो अभी आपको वीडियो में पता चल जाएगा। बाकी जी ये इसका एंट्रेंस है और यहाँ से है ब्यूटीफुल व्यू, जो कि ब्यूटीफुल व्यू इस मस्जिद शरीफ की वजह से है। तो ये आप चेकआउट कर सकते हो, ये मस्जिद शरीफ कितना ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है और जितना ज़्यादा खूबसूरत बाहर से है उससे ज़्यादा खूबसूरत अंदर से भी है। तो बस इसके बगल में बिल्कुल एक मंदिर भी है। ठीक है, और इस मंदिर और मस्जिद शरीफ के बीच में एक पौंड भी है जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देता है। तो बाकी जिसने भी ये मस्जिद शरीफ बनाई है, ठीक है, तो बस अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और हमारा फ़र्ज़ अब बनता है कि इन जगहों को टेक केयर करें, इन जगहों को ख्याल रखा करें। तो बाकी यहाँ का आप ओवरव्यू चेक कर सकते हो, माशाल्लाह कितना ज़्यादा प्यारा है। ठीक है, एक ही फ्रेम में मस्जिद शरीफ है और एक ही फ्रेम में मंदिर भी है और साथ में एक खूबसूरत सा पौंड। बाकी आप यहाँ का तो जी थैंक यू, कल मैं कमेंट बॉक्स चेक कर रहा था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला है। ठीक है, और अब कुछ बंदे हैं जो बैड कमेंट्स कर रहे थे, चलो ठीक है उनके लिए भी वेलकम। तो बस अपनी लाइफ में ना एक गोल बनाओ, गोल क्या बनाना है, ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हो, चाहे कोई पढ़ रहा है, चाहे कोई मेहनत कर रहा है, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, वट एवर, ठीक है, आप अपनी लाइफ में गोल रखो। ठीक है, तो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मुझे क्या मिलेगा इसके बदले फिर कल जाके। ठीक है, तो उस गोल के पीछे फिर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करो, उस गोल के पीछे फिर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करो। ठीक है, जब वो गोल आपको हासिल हो जाएगा ना फिर अल्लाह कसम की फील आ जाती है। ठीक है, और तो जो भी आप मेहनत करोगे ना आप ईमानदारी से करोगे। ठीक है, इस मेहनत के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और आपको अप डाउन देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो लोग आपके बारे में बातें करेंगे, गलत गलत बातें करेंगे, आपको ध्यान नहीं देना, आपको अपना काम करते रहना क्योंकि आपको गोल अचीव करना है। ठीक है, तो बस बाकी अपनी पेरेंट्स की ना इज्जत करो, अपनी पेरेंट्स की ना खिदमत करो, उसमें ना उसमें अल्लाह ताला भी खुश हैं और उसमें आपको खुद की खुशी भी मिल जाएगी। चेरू को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, इसको भी मैंने फीड हैं दे दिए। A few moments later. फाइनली मैं नवीद भाई के सैलून पे आ चुका हूँ, काफ़ी अच्छा इसने इंटीरियर डिज़ाइन किया है। तो जो है नवीद भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ठीक है, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे आया, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी नवीद भाई एक्सपर्ट हैं सैलून के मामले में। ठीक है, फेशियल से लेकर बियर्ड तक ये एक नंबर बनाता है। तो ठीक है, हम भी बियर्ड बनाएंगे क्योंकि मेरी जो बियर्ड है वो मैसी टाइप लग रही है, तो हम भी बियर्ड बनाएंगे। तो लेट्स गो।
जिंदगी बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। तो जी फाइनली कटिंग एंड बियर्ड का काम खत्म हो चुका है, तो अभी राशिक भाई ने फोन किया, राशिक भाई को भी कटिंग करवानी है, तो वेट करते हैं, तो फिर उसके बाद यहां से निकल जाएंगे। A few inches later. तो ये जी आप चेक करो, ये बच्चे ये आपस में स्नो को एंजॉय कर रहे हैं, एक पार्टी यहाँ से है और एक पार्टी वहां से है, तो आपस में ये स्नो बॉल फाइटिंग कर रहे हैं। देखो कैसे भाग रहे हैं, यहाँ से एक पार्टी आ रहे हैं और इनको काफी ज्यादा मजा है। इसी चीज को कश्मीर विंटर कहते हैं। बच्चे आप बहुत ज्यादा एंजॉय करें और आप भी कीजिए। तो जी फाइनली गाइस, ये आप चेक करो मेरे साथ कौन है, मेरे साथ है राशिक भाई, इसको भी कटिंग करवानी है, ठीक है। अब इसने मुझे अभी 10 मिनट पहले फ़ोन किया था, क्योंकि मैं यहाँ पर आया था निवेद भाई के पास, तो इसने मुझे फ़ोन किया, कहा मैंने कहा मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो ये भी राशिक भाई को भी कटिंग करवानी है, तो ये मुझे यहाँ पर मिला है, तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आज मैं राशिक भाई के साथ मिला हूँ। काफ़ी दिनों के बाद जब से ये आज मिला, तो इसको भी हम कटिंग करवाएंगे। नुकसान भी हो ना भाई, नुकसान वो नहीं बता सकते क्या नुकसान हुआ, तो इनका सपोर्ट होना चाहिए, तो बाकी राशिक भाई की कटिंग हम करवाएंगे। तो तो जी अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग वगैरह सब कुछ सीन खत्म हो चुका है, मेरे साथ राशिक भाई भी था, ठीक है। तो मैंने बोला कि चलो चाय पीते हैं, भाई का फोन भी स्विच ऑफ होने वाला था, ठीक है, तो अभी राशिक भाई ने फोन अपने जो है चार्ज पे लगाए हैं और राशिक भाई जो है चाय पी रहा है कश्मीरी। बाकी इनमें राशिक भाई इस खतर कश्मीरी डूंड, ठीक है, विन चम नन चाय, तो फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। बाकी जी लेट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, राशिक भाई भी आया था हमारे घर, ठीक है, हमने चाय इकट्ठे पी, राशिक भाई चानों में आज ढूंढ चाय, ठीक है आज, तो बाकी अभी हम राशिक भाई को यहाँ से बाई बाई करेंगे, क्योंकि राशिक भाई भी घर में अकेला हो और मैं भी घर में अकेला के लिए नेट ना काफ़ी ज़्यादा लो चल रहा है, तो फिर अगर आप सब्सक्राइब और फॉलो नहीं करोगे तो फिर क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो बाकी राशिक भाई भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और मैं भी तो करता हूँ मेहनत, ठीक है, तो हम दोनों की बाइक के चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो बाकी राशिक भाई आप कुछ बोलना तो नहीं चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहता हूँ, मैं उनते रेस्पेक्ट यूर पेरेंट्स, भाई की आप बोलोगे वो मेरा है, ये मेरा, ये मेरी है वगैरह, ये कुछ नहीं है भाई। हाँ, अगर अगर इस दुनिया पे कोई परमानेंट है वो अपनी माँ बाप, ठीक है, मोलिस माज वैसे वसान बेचन कहीं वैसे कहीं, लोग आपके साथ हैं कब तक, जब तक आपके जेब में पैसे हैं, ठीक है, मतलब निकल गया लोगों से तो फिर तो वो जैसे जानते नहीं है, ठीक है, इसीलिए बाकी मैं और राशिक भाई हम दोनों आपस में भाई भाई, ठीक है, अल्लाह ताला कर दुआ की अगर हमेशा बाई बाई था। बाकी हेटर्स की बात, अगर हम हेटर्स की बात करेंगे, हेटर्स हर एक के लाइफ में है, हेटर्स के लिए भी वेलकम है, दिनक जीट उमर जीट उमर, ठीक है। तो भाई को यहाँ से बाय बाय करेंगे, तो क्योंकि लेट भी काफी हो चुका है, ठीक है। तो बाकी अगर आपको किसी भी रीजन से आज का व्लॉग पसंद आएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करके जाना, तब तक अपना और अपने फैमिली का खास ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।